ओम वैक्रांतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपासिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवकै प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ त्रिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जहाते विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गत गल्ला हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवत कथा की कितने महत्व है, इसलिए श्रीमद् भागवत में कहीं कथा को अमृत बताया, गोपियों ने भगवान की कथा को अमृत बताया। ये कथा नहीं ये अमृत है। कहीं भागवत में श्रीमद् भागवत कथा को कहीं बताया रसायन, कभी किसने बताया रसायन, कभी भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं भैया ये कथा नहीं ये रसायन है। इसलिए सतांग प्रसंगात मम वीर्य संवितौ भवत हृत कर्ण रसायन है। कभी किस कई रसायन होता है, 10 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन मिला करके वो रसायन बनता है, जिसको पान करने पर शरीर का सारी बीमारी खत्म हो जाती है। उसी तरह हमारा जीवन का जितने बीमारी है कहते सारी बीमारी ये कृष्ण कथा से सब दूर हो जाता है। और कथा से ही पहले श्रद्धा फिर भक्ति और कथा सुनते सुनते भगवत प्रेम, केवल ये कथा को द्वारा जीव को प्राप्त होता है। कहीं कहीं पर भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कथा नहीं ये सबसे बढ़िया औषधि है। इसलिए बोले निवृत तस्य रूपज्ञ माना भव औषध, बोले ये संसार रूपी समुद्र से
जन्म मृत्यु दुख कष्ट जन्म व्याधि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भक्ति कहते सारे दुख कष्ट से अगर कोई निकलना चाहता है बोले सबसे बढ़िया दवा क्या है, बोले भगवान की कथा है, इससे बढ़िया दवा जगत में कुछ नहीं। इसलिए बोले भव औषध रक्षत्र मनोविराम, बोले भगवान की कथा दवा है औषध। बोले हाँ, बोले अक्सर करके औषधि कौड़ी होता है, जैसे एलोपैथिक औषधि झट मुंह में डाल करके पानी पी लेते हैं, हाँ? इसलिए अक्सर करके जो औषधि वो कड़वी होती है। बोले भैया भगवान की कथा क्या कड़वी है? बोले नहीं, हाँ? भगवान की कथा कड़वी नहीं। बोले क्या है? बोले स्वत्र मनोविराम, कहते कान और हृदय ये दोनों को ये आनंद प्रदान करने वाले, ये दोनों को ये आनंद प्रदान करते कथा है। इसलिए कल श्रवण कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी पृथ्वी महाराज, कहते प्रभु दो ही कान क्यों दे दिया और बुद्ध खरबुद्ध कान क्यों नहीं दे दिया, एक ही जीवा क्यों दे दिया, करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं दिया ठाकुर जी के नाम जप करने के लिए। और कहीं कहीं भागवत में भगवत कथा को बताया ये क्या है, ये शराब, ये मदिरा, हाँ? इसको मदिरा बताया। कृष्ण कथा आसव, आसव मतलब मदिरा, कभी ये मदिरा ऐसे मदिरा है जगत का शराब को पियो नशा उतर जाती है, लेकिन ये कृष्ण कथा रूपी नशा वो जितने सुनते रहोगे नशा उतना बढ़ते रहता है, ये नशा कभी उतरती नहीं, ये नशा चढ़ती रहती है, हर समय नशा चढ़ती रहती है नशा। और ये नशा को जो एक बार कर ले फिर तो छुटता नहीं, देखा आप लोगों को छुट रहा है, छुट रहा है नशा, नशा बढ़ते जाता है, ये बढ़ते जा रही है नशा। और ये नशा को एक बार जो कर लेगा, कल बोल रहे थे ना, कोई भी पिता अगर शराब पिता है वो कभी भी अपना बेटे को अपना पत्नी को अपना बेटी को ये कभी भी नहीं बताएगा तू भी इसको पियो। कोई पिता माता बताता है तू शराब पियो बच्चों को? अगर खुद अगर पी लिया तो बच्चों को सावधान करेगा, बेटा मैं गलत काम कर लिया, तू कभी ये नशा मत लिया कर, तू कभी ये नशा मत कर। लेकिन ये कृष्ण भक्ति रूपी नशा एक बार जिसको लग जाए ना वो हर समय कोशिश करेगा ये नशा हम बेटे को कैसे नशा लगाए, ये बेटी भी ये नशा करे, पत्नी भी ये नशा करे, पूरा परिवार भी नशा करे। अगर कोई ये नशा को नहीं पिएगा तो पिताजी बड़े दुखी होगा, बोले मेरा बेटा कृष्ण भजन नहीं करता है, मेरे बेटा भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, ये कैसे भक्ति करे भजन करे। जो नशा करेगा वो कोशिश कर दूसरे भी नशा में डूबे, अगर नहीं डूबेगा ना फिर हाथ से पैसा खर्चा करेगा, पैसा खर्चा करके सबको बुलाएगा, आओ भैया ये नशा को पार करो, ये कृष्ण कथा नशा को तुम भी पियो, तुम भी मतवाला हो जाओ, हाँ? जैसे आप लोग पैसा दे करके घर में भक्तों को बुलाते आओ कथा सुनो, भगवान की खुद रसोई बनाते खुद खाना बनाते दूसरों को देते, कब से कभी नशा को तो पियो। इसलिए कहते ये भगवान की कथा एक अद्भुत ये नशा है, ये अद्भुत नशा है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले परीक्षित ये भागवत कथा, जो भगवत कथा जो हरि कथा है बड़ी भाग्यवान को ये भगवत कथा सुनने को मिलता है, साधारण भाग्य से ये कथा सुनने को नहीं मिलता है। बोले स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस, बोले जो सौभाग्य आज हमें मिल रहा है बोले ये सौभाग्य स्वर्ग में देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, हाँ? इसलिए देवता लोग हम पिछली बार सुने थे जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवत कथा सुनाने जा रहे थे 33 करोड़ देवता ये सबके सब इंद्र चंद्र वायु वरुण शंकर ब्रह्मा ये सबके सब आ गए, ये अमृत कलश लेकर के बोले पूरा के पूरा अमृत कलश ले लो सुखदेव गोस्वामी, हाँ? लेकिन इसका विनिमय में हमें थोड़ा कृष्ण कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको भगा दिया वहां से, बोले कथा नहीं सुन सकते हो, ये अमृत विनिमय में हरि कथा तुमको पता नहीं, ये कृष्ण कथा क्या क्या महत्व है, हाँ? ये कृष्ण कथा की क्या महत्व तुमको पता नहीं, कहां काज
हाँ कहा टुकड़े टुकड़े फिर कहा काच और कहा ये पारस पत्थर कहा मणि भगवत कथा नहीं ये मणि है और जगत का जो अमृत है और टूटे हुए ये काज है। इसलिए भगवत कथा को सामने ये अमृत को तुम बराबर नहीं कर सकते। इसलिए कहते स्वर्ग में देवता को भी संपूर्ण अमृत का विनिमय में भी कथा सुनने को नहीं मिला। इसलिए स्वर्ग में भी ये भगवत कथा नहीं, बोले स्वर्ग की बात छोड़ो, उसको ऊपर में ब्रह्मलोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते। बोले भैया स्वर्ग सत्य जग, बोले सत्य युग में भी भगवत कथा नहीं, वहां पर भी कथा सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले कथा है तो विधि भावना बिहाई सुनी बत सारदाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर कहीं हरि कथा हो भगवत कथा हो बोले कथा है तो विधि मतलब ब्रह्मा, बोले भवन मतलब अपना घर, क्या ब्रह्मलोक छोड़ करके बोले दौड़ दौड़ कर आते हैं कथा सुनने के लिए, ये कथा शुरुआत नहीं हो जाए और कथा से पहले हम जा करके बैठ जाए, कथा मिस नहीं हो जाए। हाँ इसलिए दौड़ दौड़ करके ब्रह्मा जी आते हैं। बोले क्या अकेला आते हैं? बोले नहीं, पर शारदा अपना बीवी को लेकर के आते, अपना पत्नी को बोले जल्दी जल्दी चलो कथा शुरुआत नहीं हो जाए, उसको पहले कथा में जाकर पहुंच जाए। हाँ इसलिए बोले ब्रह्मा जी ब्रह्म लोग छोड़ करके आते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया ब्रह्म लोग की बात छोड़ दो, ये जो भगवत कथा है बोले स्वर्ग सत्य कैलाश, बोले ये कथा कैलाश में भी नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक बार तृतीया युग माही शंभु गए कुंभ जर सिपाही। तृतीया युग में भगवान शंकर जी की जब इच्छा हुई मुझे भी कथा रस मिले, कहते शंकर जी सती को लेकर के अपना पार्वती को लेकर के कैलाश छोड़ करके आते हैं। बोले कहाँ? बोले कुंभज, कुंभज मतलब श्री अगस्त ऋषि, कहते उनको चरण में बैठी करके ये कथा रस को स्वयं शंकर जी और पार्वती दोनों कथा सुनने आते हैं। देखो ब्रह्मा जब आए अकेले नहीं आए अपना पत्नी को लेकर के, शंकर जी जब आए अकेले नहीं वो अपना पत्नी पार्वती को लेकर के आए, जब श्री इंद्र आए अकेले नहीं वो सचिव के साथ में आते, ये सब जोड़ा जोड़ा आते हैं, वो अकेले कोई नहीं आते। यहाँ शिक्षा देते कथा अकेले सुनने मत जाओ, अपना पत्नी को लेकर नहीं जाओ, कहता अपना पत्नी को लेकर कथा सुनने के लिए जाओ, अकेले मत जाया करो। बोले भैया पत्नी को साथ में क्यों लेकर जाएगी, ये पत्नी को लेने का क्या जरूरत है? बोले कारण है, बोले ये कथा जो सुनेगा उसको पर जरूर इसकी नशा लगेगा, जो सुनेगा उसको भक्ति में जरूर रुचि होगा। हाँ इसलिए प्रथम भक्ति संतन करी संगा, द्वितीय भक्ति हरि कथा प्रसंगा। इसलिए जो ये कथा सुनेगा उसको स्वाभाविक रूप में जब भगवत भक्ति में रुचि होगा वो जरूर माला जप करेगा, वो जरूर गला में कंठी पहनेगा, तिलक लगाएगा, भजन करेगा। अगर पत्नी आई कथा सुनी भजन किया, पति को अगर नशा नहीं चढ़ा पति फिर गुस्सा करेगा, टोकते रहेगा, बोले हमारे घर में तो बड़े बड़े भक्तों ने जन्म ले, जब देखो माला लेकर बैठ जाती है, हाँ कोई काम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर हरे कृष्ण जब करने लग जाते। अगर पति आएगा उसको घर में नशा चढ़ेगा फिर पत्नी भी उसको भजन करने नहीं देगी, बोले जब देखो बैठ कर माला जब कर तो काम नहीं करो, घर कैसे चलेगा, संसार कैसे चला, काम करने जाओ, उसको भजन करने नहीं देगी। कहते अगर ये दोनों कथा सुनने आए, ये दोनों को पर नशा चढ़े फिर दोनों को मदद करेंगे। बोले कब थोड़ा समय मिले, जल्दी जल्दी घर की सेवा ठाकुर जी की सेवा करके थोड़ी समय मिले तो हम भागवत कथा सुने, भगवान का नाम ले, ठाकुर जी का मिल करके आरती करे, मिल करके ठाकुर जी का कीर्तन करे, फिर दोनों बैठी करके कीर्तन करोगे, फिर दोनों को मदद करोगे। इसलिए यहाँ ब्रह्मा शंकर इंद्र जब आते हैं वो अकेले नहीं, जुड़वा जुड़वा आते हैं, वो दोनों आते हैं। इसलिए कथा सुनने के लिए दोनों आनी चाहिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया, कहते भैया कैलाश की बात छोड़ दो, ये जो भगवान की जो कथा है वैकुंठ में भी नहीं,
कल वैकुंठ में भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले गाया ओ गरुड़ जहां बसाई भुसोंडा राम चरण अति भक्ति अखंडा। बोले गयो गरुड़ जहां बसाई भुसोंडा। अगर गरुड़ जी को कभी इच्छा होता है मैं भी भाई भगवत कथा सुन, गरुड़ रहता है वैकुंठ में, लेकिन अगर हरि कथा कहीं हो, बोले कहां, बोले नीलगिरि पर्वत जहां पर श्री काकभूषण जी जहां भगवत राम कथा कहते हैं, बोले जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में वहां पर श्री अक्षय बट है, वही नीलगिरि जगन्नाथपुरी है, वही पर नित्य निरंतर भगवत कथा को सुनाते हैं, हैं? जब उनकी इच्छा होता है गरुड़ जी को, बोले गरुड़ जी वैकुंठ छोड़ करके इसी मरते जगत में आते हैं कथा सुनने के लिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, साधारण भाग्य से ये हरि कथा को श्रवण करने को नहीं मिलता है, साधारण भाग्य से कथा को सुन नहीं पाते। इसलिए जन्मांतरे भवे तो पुण्यम तथा भागवत लब्धम, बोले जन्म जन्मांतर का कोई सुकृति उदय हो तभी ये हरि कथा हरि भजन भगवत सत्संग मिलता है। देखो हम लोग कितने बड़े भाग्यवान हैं, हम लोग कितने बड़े भाग्यवान हैं। देवता लोग तो स्वर्ग छोड़ दिए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को छोड़ दिए, शंकर जी कैलाश को छोड़ दिए, गरुड़ जी वैकुंठ को छोड़ दिए, लेकिन ये हलांड वासियों को कहते हलांड वासियों को हलांड छोड़ना नहीं पड़ा, ये हलांड वासियों को हलांड छोड़ना नहीं पड़ा, कथा रूपी गंगा स्वयं बहते 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 कहाँ आ गया, हलांड रोटरडम स्थान का नाम क्या, हाँ क्या स्थान गया, हाँ यहाँ पर कथा बहते बहते आ गई, और हम अपना घर को सामने गंगा आई और उसमें गोता लगा लिया, हाँ ये कथा रूपी गंगा में हमने स्नान कर लिया। बलनिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, इसलिए आज हम लोग श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनेंगे। महाप्रभु की कथा बड़ी प्यारी कथा है, कृष्ण कथा कितना मधुर है, कृष्ण कथा को बताए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं, बोले आधरंग माधुरंग बादनंग माधुरंग हासितंग माधुरंग गमनंग माधुरंग हृदयंग माधुरंग चलितंग माधुरंग माधुराधिपते राखिलंग माधुरम। भगवान की कथा सब मधुर है, उनका चलना मधुर, बोलना मधुर, कथा मधुर, उनको हाँ चोरी भी मधुर, उनका सब मीठा मीठा है, भगवान की सब मिठाई मीठा है, हाँ इसलिए मधुरम मधुरम मेतत मंगलंग मंगलानाम। भगवान कथा मधुर, उनका नाम मधुर, सब ठाकुर जी की मिठाई मिठाई, पूरा कृष्णा नहीं पूरा शरीर मिठाई मिठाई, उनका शरीर पूरा मिठास बना हुआ है, हाँ पूरा मिठास बना हुआ है, इसलिए भगवान की सब मधुर मधुर ठाकुर जी के, हाँ इसलिए कहते कृष्ण जितने मधुर है कहते उससे ज्यादा मधुर श्री राधा रानी, तभी तो कृष्ण को राधा रानी अपना भाव माधुर्य प्रेम को द्वारा तभी तो राधा रानी कृष्ण को आकर्षण करती है, इसलिए कृष्ण जितने मधुर उससे ज्यादा मधुर श्रीमती राधा रानी। अभी ये दोनों अगर मधुर एक साथ मिल जाए तो कृष्ण भी इतना मीठा, राधा रानी भी इतनी मीठी, बोले मीठे रसों से भरी रे राधा रानी लागे मन कारो कार जमुना जी को पानी लगे, कहते मीठे रसों से भरी रे राधा रानी, राधा रानी पूरा मीठे रस से भरी हुई है, इसलिए उनको लादिनी शक्ति उनको बताया ये आनंदमयी शक्ति है श्री राधा रानी। कृष्ण मधुर राधा मधुर अगर दोनों मिल जाए तो कितने मधुर होगा, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रसमात देकात्मना भूई पुरो देह भेदौ गतौ तौ
चैतन्यख्य प्रकटमधुना तद्वयम् चैकमात्तम् राधा भाव दुति सुबलितम् नवमी कृष्ण स्वरूपम्। कृष्ण से स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, बोले ये राधा रानी कौन है? बोले कृष्ण का प्रेम ही ये राधा रानी है। इसलिए शक्ति शक्ति मतर अभेद, राधा कृष्ण ये अलग नहीं। जो राधा बोले जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण है बस। बोले एक ज्योति दिधाविर न राधा माधव स्वरूपम। बोले राधा कौन है, कृष्ण कौन है? बोले दोनों अलग नहीं हुए किए। जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा। इसलिए राधा कृष्ण कोई अलग नहीं। लेकिन अलग नहीं होते हुए भी ये कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और राधा जी की अंग कांति को लेकर के कलयुग में कृष्ण स्वयं ये चैतन्य महाप्रभु का रूप में आते हैं। इसलिए कहते अंत कृष्ण बहिर्गौर, अंदर में तो कृष्ण है लेकिन ऊपर से जो ढक लिया राधा रानी के अंग कांति को द्वारा, इसलिए उनका नाम गौर हरि। इसलिए सारे अवतारों को देखो सब काले, सारे अवतार मत्स्य कुर्मा बरहा नृसिंह राम कृष्ण सब काले हैं, लेकिन केवल एक ही अवतार जी गौर है। कौन है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। इसलिए इनका नाम श्री गौर हरि। गौरी मतलब राधा रानी, हरि मतलब कृष्ण, ये दोनों मिलकर के वो एक स्वरूप है श्री सचिनंदन गौर हरि। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। तब यहाँ पर कहते श्री अनंत संहिता में एक समय माता पार्वती ये शंकर जी से प्रश्न करते हैं। बोले हे भोले बाबा शंकर जी, आपके मुंह से मैंने बहुत नाम सुने भगवान के, अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत। इसलिए शंकर जी जितने पुराण देखो, श्री शंकर जी सब पार्वती को सुनाए, जितने पुराण है सब शंकर पार्वती संवाद है। कहते आपका मुंह से मैंने अनंत कथा सुनी आपका मुखार मिल से, लेकिन आप कभी कभी आप श्री चैतन्य, कभी कभी गौर हरि, कभी कभी महाप्रभु, कभी कभी ये नाम भी कभी कभी आप लेते हो, लेकिन ये गौर हरि कौन है, ये चैतन्य कौन है, आप ये इनका नाम क्यों लेते हो? आप कृपा करके उनकी थोड़ा कथा सुना। जब शंकर जी को पार्वती ये प्रश्न किया, शंकर जी का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया है, उनको प्रेम में गदगद हो गया, क्योंकि महाप्रभु का जो लीला है अभी श्रवण कर रहे थे ना, और प्रभु जी बता रहे थे महाप्रभु कौन है, अवतार जी बता रहे हैं, महाप्रभु बड़ी उदारता है, महाप्रभु बड़ी कृपालु, महाप्रभु बड़े दयालु है, महाप्रभु जैसे दयालु जगत में कोई नहीं है। राम तो रावण ने थोड़ा उल्टा पुल्टा किया था, राम धनुष उठा लिया पूरा लंका को खत्म कर दिया, हाँ वंश में किसी को रखा नहीं प्रभु राम। अगर कृष्ण अभी टेढ़े हैं, अगर शिशुपाल दंत बकर और कोच उल्टा पुल्टा किया तो कृष्ण ने झट उन्हें चक्र उठा लिया, उन्होंने सबको खत्म कर दिया कृष्ण। लेकिन महाप्रभु बोले प्राण कार्य नाम आरिलो एबे अस्त्र ना धरिलो। महाप्रभु कभी भी अस्त्र नहीं उठाया, किसको जान से कभी नहीं मारे, किसी को महाप्रभु मारे नहीं। बोले इतने ये दयालु कैसे बन गए, इतने कृपालु कैसे बन गए, वही तो कृष्ण वही तो राम अभी महाप्रभु है, लेकिन इतने दयालु इतने कृपालु कैसे बन गए? बोले कारण है श्री राधा रानी का भाव और अंग कांति को लेकर के आए, इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है राधा रानी, हाँ। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेंगे। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वहाँ, क्या बोलते हैं वहाँ? सबके सब राधा रानी का नाम लेते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण का धाम तो वृंदावन है, लेकिन किसी को वहाँ कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेंगे, वहाँ सबके सब श्री राधे राधे, हाँ। इसलिए कहते रसखान कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे, सारे लता पता वृक्ष सब राधा रानी का नाम लेते हैं, सब के सब श्री राधे राधे नाम लेते हैं। वहां पर कोई अगर किसको बुलाएगा ना, कोई नहीं बोलेगा इधर आओ राधे राधे,
वो बोले राधे राधे, आप देखना किसी रिक्शा वाला में बेल भी नहीं देखोगे। हमने कहा भी इसे बेल क्यों नहीं रखते हो, अगर बेल रखे तो मुंह से राधा राधा नाम नहीं आएगा। हाँ वो वृंदावन में कोई नहीं बोले हट हट, बोले राधे राधे। हाँ इसलिए बोले आओ तो राधे राधे, जाओ तो राधे राधे, गाओ तो राधे राधे, बोले जय श्री राधे। सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी का नाम लेने पर कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामि भक्ति उत्तम, धा शब्द कुर्बत पश्चात धा विश्रवण लवा। कृष्ण कहता अगर किसने कोई रा केवल एक अक्षर उच्चारण कर दिया, मैं चिंता में पड़ जाता हूं, उसको मैं क्या दूं। कभी विश्व ब्रह्मांड में रा अक्षर विनिमय में मेरे पास में कुछ नहीं रहता देने के लिए, खुद को खुद दे देता। अगर कोई धा बोले रा धा भाष में उसको पीछे पीछे बात कर रहा था। हाँ पीछे पीछे, इसलिए हिंदी में एक कीर्तन है बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बोले राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, 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 बोले राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, 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 बोले राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गंगा तो धारे बिहारी, 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 राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। श्रीमती राधा रानी की, इसलिए अभी महाप्रभु इतने दयालु हुए और राधा रानी के भाव और अंग गांठी को लेकर गाए, और राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है, किसी तरह से कोई वृंदावन में आ जाए किसी तरह से और राधा रानी का नाम ले ले तो राधा रानी पर कृपा कर देती है, उसको पर आशीर्वाद दे देती है, बड़े दयालु। इसीलिए कलयुग में उन्होंने किसको जान से नहीं मारे, किसी को महाप्रभु मारे नहीं, यहाँ तक भी उन्होंने माधाई ने नित्यानंद प्रभु का सिर भी फोड़ देते हैं। राम और कृष्ण अवतार में थोड़ी सी कुछ कर दिया तो धनुष और चक्र उठा लिए, लेकिन कलयुग में उनको सिर भी फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु का। वो कह रहे हैं मेरे छी कल सिर काना ताई बोले की प्रेम दीवाना, भले ही तुमने मेरे सिर को फोड़ दिया क्या इसलिए तेरे को प्रेम नहीं दूंगा, एक बार मेरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक बार केवल भगवान का नाम ले बात, तुम्हारे सारे अपराध से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचरे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचरे अमर मन, 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 हे मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे,
अपराध दूरे जावे पावे प्रेम दयाल नीताय चैतन्य आचार्य भरमा दयाल नीताय चैतन्य आचार्य भरमान। इसलिए ओ भक्तिमान ठाकुर कहते हैं मेरा जो मन मेरा जो हृदय है श्री नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर के महाप्रभु का नाम लेकर के मेरा मन नाच उठे ऐसे कोई दयाल देखे हो। भगवान कृष्ण और राम कभी दरवाजा दरवाजे में भीख मांगने के लिए कभी गए? कभी कृष्ण राम कभी गए कभी भीख मांगे? लेकिन महाप्रभु कलयुग में संन्यास लेकर के दरवाजा दरवाजा में जाते हैं अपना झोली फैला करके कहते एक बार कृष्ण बोल दो, एक बार राधे राधे बोल दो, एक बार हरे कृष्ण बोल दो, हाँ एक बार कृष्ण का नाम ले लो। वो इतने दयालु महाप्रभु हुए क्योंकि चुके वो राधा रानी की भाव और अंग कांति को लेकर के आए। हाँ ये माँ है राधा रानी, इसलिए देखना जब माँ बोलते हो ना मुंह खोल देता है, माँ मुंह खोल जाता है ना, मतलब मैया कुछ खाने देती है। हाँ माँ शब्द बोलते ही मैया कुछ खाने देती है, इसलिए राधा रानी ये जगत का माँ है, जगत की राधा रानी, इसलिए बड़ी दयालु। देखना छोटा बच्चा कुछ मांगने के लिए जाएगा ना वो अक्सर करके पिता के पास में नहीं जाता, माँ के पास में जाता है। जानता है पिताजी के पास में डांट लगाएगी और मैया के पास में जाएगी मैया दे देगी, इसलिए मैया के पास में जाता है बच्चा। इसलिए कहते यहाँ पर श्री हाँ इसलिए कहते शंकर जी प्रश्न करते शंकर जी को माता पार्वती ये महाप्रभु कौन है, ये चैतन्य कौन है, ये गौर हरि कौन है, हाँ मेरे को उनकी थोड़ा कथा सुना। उसको सुनते ही शंकर जी प्रेम में गदगद हो गए, हृदय आनंद में भर गया उनका हृदय क्योंकि महाप्रभु बड़े दयालु है। इसलिए श्री शंकर जी जब कृष्ण रास रचाए, भगवान कृष्ण जब रास किया शंकर भी रास देखने के लिए आए थे, उन्होंने गोपी रूप भी शंकर धारण किया है, ब्रह्म कुंड में स्नान करके उन्होंने गोपी रूप भी धारण कर लिया और उनको जोग माया ने एक कुंज में बैठा दिया, बोले यही बैठ। लेकिन कृष्ण जब रास कर रहे थे बोले आज कहीं आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति आ गया, तो गोपियों ने ढूंढने लगे कौन आ गया, देखा कुंज में एक वही नई गोपी बैठी हुई है। भैया तेरे सास का नाम क्या है, तेरे ननद का नाम क्या है, तेरे पति का नाम क्या है, कौन सा गांव में तुमने जन्म लिया, वो तो गोपी नहीं गोप है वो तो गोपी नहीं थी वो तो गोप थे। वो बोली चुप, वो गोपियां समझ गई यही दुष्ट कहां से आ गए, उसको चोटी पकड़ कर शंकर जी को निकाले और गोपियां गुलचा मारने जा रही थी। इतने में कृष्ण स्वयं आ गए, जोग माया आ गई, हाँ जोग माया आ गई। कृष्ण ने कहा शंकर जी क्या ये क्या तुम ये क्या धारण किया, ये औरत का रूप जनाने का रूप क्यों धारण कर लिया? बोले प्रभु ने तुमने बंसी बजाई, ये बंसीधनी कैलाश में भी गया, इसलिए मेरे मन में भी इच्छा हुआ मैं भी तुम्हारा थोड़ा रास का दर्शन करूं। भगवान कृष्ण ने कहा शंकर जी आपने ऊपर से गोपी रूप धारण किया लेकिन अंदर से नहीं, ये गोपी कोई साधारण स्त्रिया नहीं, ये गोपी मतलब गो मतलब होता है इंद्रिया, पी मतलब होता है पीना, जो लोग नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती है गोपियां हैं, ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं, ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, ये आनंद चिन्मय रस की राधा रानी की ये कायव्य है, राधा रानी की भाव ही एक एक गोपी रूप धारण की, ये कोई स्त्रियां नहीं है ये स्त्री गोपियां। बोले ऊपर से रूप धारण करने से रास दर्शन नहीं होता, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, बोले कोई बात नहीं तुमने आए हो लेकिन इसी अवतार में नहीं, मैं जब गौर हरि बन करके नवद्वीप में आऊंगा, जब चैतन्य महाप्रभु बन करके आऊंगा, फिर हम दोनों श्रीवास आंगन में हाँ तुम अद्वैत आचार्य बन करके आओगे, फिर हम दोनों गलवरनिया देख रहे वहीं पर हरि संकीर्तन करेंगे। कलिजुग में जो हरिनाम है यही कलिजुग में जो हरिनाम कीर्तन है कलिजुग में यही रास है कलिजुग में। इसलिए महाप्रभु रूप में आए तो सच्ची माँ को आंगन में दोनों मिल करके श्रीवास आंगन में सबके सब भगवान की कीर्तन किए। इसलिए शंकर जी प्रश्न सुनते ही शंकर जी भाव विभोर हो गए, फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कथा ये पार्वती को उन्होंने सुनाए। बोले पार्वती इसलिए उनका नाम
गौर हरि, उनका नाम गौर हरि, ये राधा रानी गोरी है वहां से लिया गौर। और कृष्ण हरि पाप ताप दुख कष्ट को हरण करते हैं, इसलिए ये दोनों मिल करके ये नाम हुआ श्री गौर हरि। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। बोले उनका नाम चैतन्य क्यों है? बोले चैतन्य मतलब होता है चेतनता। ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि से पहले जिसको वेद कहते हैं एक मैव मद्वितीयम, मैं एक हूँ, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हम कहते ना एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो एक ही ब्रह्म है, दो नहीं एक ही ब्रह्म है। बोले एक मैव अद्वितीयम, वो एक ही है, इसलिए वेद कहता है एक अपि बहुश्याम, मैं पहले ही एक था, एक से मैंने बहु हुआ। बोले वो एक कौन था? बोले वो एक कौन है? बोले चैतन्य महाप्रभु। जब दो हुए राधा कृष्ण रूप में दो हुए, हाँ, इसलिए जब इसलिए उनका नाम चैतन्य है कि विश्व ब्रह्मांड से पहले सृष्टि से पहले वो एक रूप में केवल महाप्रभु रूप में थे, जब उनकी लीला करने की इच्छा हुई फिर वो दो हुए राधा कृष्ण, फिर राधा रानी से सब सखियां और कृष्ण से जितने अवतार हुए सबके सब, इसलिए उनका नाम श्री चैतन्य नाम है। तब उन्होंने महाप्रभु की, उन्होंने शंकर जी बड़ी प्यारी प्यारी महाप्रभु और महाप्रभु के धाम की कथा सुनाई, हाँ। बोले एक समय कहते श्री अनंत देव भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु से बोले हे प्रभु आपका आशीर्वाद से मैंने ये सारे धाम को दर्शन किया है, लेकिन एक धाम अभी बाकी रह गया। बोले वो कौन सा धाम? बोले वृंदावन धाम, अभी मैं वृंदावन धाम दर्शन नहीं कर पाया। तो महाविष्णु कहते हैं भैया तेरी बात किया, अभी तक मैं भी नहीं जा पाया हूँ वृंदावन धाम में, अभी भी मैं नहीं जा पाया हूँ। बोले मेरा बात छोड़ दो, बोले कारण दशाई विष्णु, गर्भ दशाई विष्णु, खिराब दिशाई विष्णु, ये भी अभी तक ये वृंदावन धाम इतने दुर्लभ है, अभी भी ये लोग भी वहां नहीं पहुंच पाए, ये धाम कितने महत्व है। देखो शंकर जहाँ पर गए शंकर जी क्या काम कर रहे हैं, वहां गेट कीपर का काम कर रहे हैं। आप वृंदावन में जाओ, आप उधर बेल वन में जाओगे जहां पर लक्ष्मी वृंदावन से बाहर बैठ करके वो तपस्या कर रही है, वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए लक्ष्मी स्वयं तपस्या करती हैं। बोले पितामह ब्रह्मा जी वो किसी तरह से आए थे वृंदावन में, लेकिन कृष्ण सखाओं के साथ में बैठ करके सबको झुटर खा रहे थे, जिसको देखकर ब्रह्मा जी मोहित तो हो गए। बछड़े सखाओं को चुराया तो बड़े उनको दुख कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु वृंदावन में तो आपका कोई सखा सखी कोई यहाँ के पशु पक्षी भी नहीं बन सकता हूँ, वहाँ की ब्रज के बाहर जहाँ पर छोटे जाति के व्यक्ति रहते हैं अगर मेरे पत्थर जन्म हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। उद्धव जैसे व्यक्ति जब गोपियों के प्रेम की सर्वोत्तमता को देखे कहते आसाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम, क्या मैं कभी वृंदावन में यहाँ गुल्म लता घास बनकर जन्म हो पाऊंगा? गोपियां जब कृष्ण को साथ में मिलने जाएंगी उनकी चरण की एक धूल क्या मैं बन पाऊंगा? उद्धव जैसे व्यक्ति, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति पत्थर बनना चाहते हैं वहां, इतने दुर्लभ से वृंदावन धाम है। शंकर जी कहते पार्वती ये वृंदावन धाम कोई साधारण वस्तु नहीं, वहां पानी नहीं बल तोयम मृतम, वहां भूमि नहीं वो चिंतामणि, वो वृक्ष नहीं वो कल्प वृक्ष, कद वहां गाभी नहीं वहां पर सुरभि गाभी सबके साथ, हाँ वहां पर सुरभि गाभी, इसलिए वहां पर जल नहीं अमृत है सबके सब। वहां पर जो जमुना नदी बह रही है बोले जमुना नदी नहीं राधा कृष्ण का प्रेम ही द्रवीभूत होकर के वो पानी रूप धारण किए है। कहते वहां का जो प्रेम सरोवर है वो प्रेम सरोवर क्या है? राधा रानी कृष्ण का प्रेम ही द्रवीभूत होकर के वो पानी रूप धारण किया, ये प्रेम सरोवर है। ये मान वहां पर जो मान सरोवर क्या है? राधा रानी जब मान की कृष्ण विरह में, राधा रानी कभी कृष्ण विरह में मान की, वो मान की तो राधा रानी को आंसू आंसू किया, प्रेम हो ना, राधा रानी के आंसू बहते बहते वो सरोवर बन गया, इसलिए मान सरोवर है। बोले पावन सरोवर क्या है? बोले पावन सरोवर है जहां पर सारे
हाँ ब्रजवासी जहाँ पर कृष्ण सखा सखी जहाँ पर लीला करते हैं उनकी चरणामृत है। बोले राधा कुंड श्याम कुंड क्या है? बोले राधा कुंड साधारण कुंड नहीं, ये राधा रानी का प्रेम ही ये द्रवीभूत होकर के राधा कुंड बना है। ये राधा रानी स्वयं वो कुंड रूप धारण किया। बोले कृष्ण कुंड क्या है? ये कृष्ण स्वयं कुंड बने। हाँ, राधा कुंडम कुंडम प्रियम तथा, ये राधा कुंड श्याम कुंड कोई पानी नहीं, बोले वहां पर मानस ही गंगा किया है। बोले कृष्ण स्वयं अपना हृदय से ये गंगा को कृष्ण स्वयं प्रकट किया है। कहते वहां पर पर्वत किया, बोले पर्वत नहीं, वहां पर स्वयं शंकर जी जो नंदगाम है वो स्वयं शंकर जी वो पर्वत बने हैं। बोले बरसाना किया है? बोले स्वयं ब्रह्मा जी बरसाना बने। बोले गिरिराज गोवर्धन किया? बोले स्वयं कृष्ण स्वयं विष्णु ये गिरिराज गोवर्धन रूप धारण किया। बोले वहां पर सखीगिरि पर्वत है, ललिता विशाखा चंपकलता चित्रा सुचित्रा ये सब के सब पर्वत रूप धारण किए वहां पर। इसलिए वहां पर कोई कुंड कुंड नहीं, वो सब के सब भगवान का प्रेम है वहां पर। इसलिए बोले ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं, हाँ ये वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं, ये चिंतामणि श्री वृंदावन धाम है। बोले श्री वृंदावन धाम की, बोले यहाँ पर जाना कोई साधारण बात नहीं, इतने दुर्लभ स्थान वृंदावन धाम। बोले फिर क्या हम वृंदावन धाम जा ही नहीं पाएंगे? प्रश्न है क्या वृंदावन धाम हमारे जाना ही नहीं होगा? श्री विष्णु कहते देखो एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले जब तो कोई भी ब्रज गोपियों की अनुगत नहीं करता है तब तक ये वृंदावन धाम में कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए गोपियों की अनुगत के बगैर ये लीला में प्रवेश नहीं। बोले भैया गोपियों के अनुगत भी तो बड़ा दुर्लभ है, जहां पर ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद सब लाइन में खड़े हुए, इनको जिनको प्राप्त होना कठिन है, आप बता रहे हो फिर ये गोपियों की अनुगत के बगैर नहीं मिलेगा, इनका प्रेम तो बड़ा कठिन है। बोले उसका पाने का और भी एक सरल उपाय, ये गोपी प्रेम पाने के और सबसे एक सरल उपाय है। बोले क्या सरल उपाय? बोले अभी उसी प्रेम को देने के लिए ब्रह्मा का एक दिन में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अभी नवद्वीप में जन्म लिए हैं, हाँ नवद्वीप में आए हैं। अगर कोई श्री नवद्वीप धाम में जाए, वहां पर महाप्रभु का चरणों का आश्रय ग्रहण करे, वहां पर नवद्वीप धाम में परिक्रमा करे, वहां का लीला स्थलियों का धूल को शरीर पर लगाए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अगर कोई नवद्वीप में जाकर के उस धाम को आश्रय करते हुए महाप्रभु का नाम को ले तो वो प्रेम आसानी से मिल जाएगा, ये सबसे सरल उपाय है। हाँ? इसलिए महाप्रभु का चरण की आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए तुम जल्दी जल्दी जाओ महाविष्णु को, जल्दी जल्दी नवद्वीप में चले जाओ। हाँ वहां पर नवद्वीप में वो प्रेम को महाप्रभु आसानी से, इसलिए हमारे श्री प्रेमानंद ठाकुर बहुत बढ़िया कीर्तन किया। बोले किया, बोले ए मन गौरांग बिना नहीं यार हे नवतार, हवे की होए छे हे न प्रेम परचार, हे नवतार हवे की होए छे हे न प्रेम परचार, दुरमति अति पतित पाषंडी प्राणी न मारिल करे, हरि नाम दिया हृदय शोधिल जाचिया धरे धरे, हे मान गौरांग बिना नहीं आर, गौरांग बिना नहीं आर, अति पतित पाषंडे प्राणी न मारिल तारे,
వారి ఆ బ్రహ్మ వీరించిరా వాంఛిత జీ ప్రే జగతే పెళ్ళి కంగాలి పాయ్యా ఖైల నాచియా బాజయ్యా కరకాలి హేమా గౌరంగ వినహి గౌరంగ వినహి कीर्तन में कह रहे हैं मतलब महाप्रभु जैसे ऐसे अवतार कभी हुए नहीं कभी होगा भी नहीं। मतलब ये कलयुग में महाप्रभु किसी को प्राण में नहीं मारे, सबको दरवाजा दरवाजा में जाकर के सबको उन्होंने हरिनाम संकीर्तन सभी को प्रचार उन्होंने किया है। ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस प्रेम के लिए तरसते हैं महाप्रभु को प्रेम को आसानी से कलयुग में दिया, जिसको सत्य युग में कठोर ध्यान के द्वारा सत्य युग का लोग प्राप्त करते थे, तृतीया युग में बड़े यज्ञ करके जिसको प्राप्त करते थे, द्वापर युग में अर्चना पूजा करके जो कठिन से जो प्रेम को प्राप्त करते थे, कलयुग में महाप्रभु वो प्रेम को आसानी से दिया। बोले क्या करो, बोले क्या करने पर वो प्रेम मिलेगा, जिस प्रेम को ब्रह्मा शंकर प्रार्थना करते हैं, बोले ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं कलयुग में। बोले क्या करो, बोले बाजा या कर ताली, कर मतलब हाथ है, ताली मतलब ताली। अगर मृदंग बजरा नहीं कोई बात नहीं, वहां प्रभु कर रहे हाथ ठाकुर ने दिया ना बस, हाथ में ताली आज बजाते हुए थोड़ी सी ठाकुर जी का नाम ले लो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पीछे की बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जोर बोलो हरे राम हरे बाइक ले लो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, आ गो
महाप्रभु ने बताया बाजा या कर ताली। महाप्रभु बतला कर हाथ ताली मतलब ताली। वह कीर्तन करते समय ताली बजाते हुए करनी चाहिए, ताली बजाते हुए। देखो हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो विधान दिया है ये सब के सब साइंस ही है, ये सब के सब साइंस ही है। हाँ बोलो भैया, ये करताल बजाने में क्या साइंस है? आपको पता होगा एक आंखों प्रेशर, नाम सुने कि नहीं? आंखों प्रेशर, कभी जो आंखों प्रेशर कभी हाथों से और पैर से वो कौन सा पॉइंट को दबाने पर शरीर का कौन सा बीमारी सही होगा, जो आंखों प्रेशर जानते हैं वो हाथ पैर से सारी बीमारी को सही करते हैं। हमारे क्या नाम तुम्हारा? अभिरा, ये आंखों प्रेशर जानता है, ये टीचर है आंखों प्रेशर का, ये हाथ और पैर से ये सारे बीमारी को सही करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को बात पहले पता है, इसलिए जब हम ताली बजाएंगे ये आंखों प्रेशर होता है, ताली बजाओ तो आंखों प्रेशर सारे पॉइंट से दबता है, मतलब सारी शरीर का बीमारी अपने आप सही होता है। इसलिए बोले नाचो गाओ, हाँ बोले नाचनी चाहिए हरि कीर्तन में, और नाचोगे तो प्यार में अपने आप जो नाचोगे प्यार का सारे पॉइंट से अपने आप दबता है, और ताली बजाओ तो हाथ का सारे पॉइंट से दबता है, वो अपने आप शरीर का सारी बीमारी सही होता है, शरीर का सारी बीमारी अपने आप सही हो जाता है। ताली बजाने का सबसे एक बढ़िया बात है, बोले क्या है, जैसे संसार में कभी कभी हम बड़े दुखी होते हैं, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, बोले देखो तो मेरा हाथ थोड़ा देखो तो क्या, इतना कष्ट जीवन में क्यों आता है, इतना दुख और कष्ट और क्लेश जीवन में क्यों आता है। हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य को बदला देगा? वो बल्कि झूठ मूठ का बात बोल करके पैसा निकाल देगा, वो सारे पैसा निकाल देगा, बोले इतने हीरो चाहिए 100 हीरो दो, और झूठ मूठ का बात बताकर पैसा ले लेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे शास्त्र कहता है बोले हाथ में जो रेखा है ना ये सब कुछ बताता है, हमारा भाग्य में क्या क्या है सब कुछ बताता है। अगर हाथ का रेखा कहीं उल्टा पुल्टा है, सबसे बढ़िया काम है ठाकुर के सामने बैठो और ताली बजाते हुए कीर्तन करो, ताली बजाते हुए। हम कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, ताली बजाओ किसके लिए, किसको ग्लोरी में, हम बोलते हैं ताली बजा करके स्वागत करें की, ताली बजा करके स्वागत कर किसी व्यक्ति की। लेकिन यहाँ जो हम ताली बजा रहे हैं किसके लिए ताली बजा रहे हैं, भगवान की ग्लोरी में, ये ठाकुर जी की ग्लोरी में हम ताली बजा रहे हैं। अगर ठाकुर जी का महिमा में ताली बजाओगे तो अगर भाग्य रेखा कहीं थोड़ा गड़बड़ी है वो सही हो जाएगी, क्योंकि भगवान की कीर्तन में ताली बजा रहे हो, इसलिए उनका नाम ईश्वर है। ईश्वर मतलब होता है को नहीं, नहीं को जो है कर सकता है, हमारा भाग्य को जो बदला सकते हैं, कर इनका नाम ईश्वर है जो भाग्य बदला देते हैं, इसलिए उनका नाम ईश्वर है। आप ये चीज को परख करके देख लेना, प्रमाण करके देख लेना, कहीं दुखी दुखी कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास में जाने का जरूरत नहीं, ठाकुर के पास में जाओ और ताली बजाते हुए कीर्तन कर, देखना आपको भाग्य रेखा बदल जाएगा, सारे उल्टा पुल्टा सही हो जाएगी। इसलिए जो जितने जोर से ताली बजाएगा उतना ही आपको प्रेशर होगा और तुम्हारे भाग्य बदलेगा। हाँ इसलिए इसलिए किसी ने महाप्रभु कहते बजाई या करताली, खूब करताली बजाते हुए कीर्तन करो, हरी बोल हरी बोल। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol.
गोपियों की प्रेम की पाने का सबसे सरल उपाय श्री नवद्वीप धाम में जाकर के महाप्रभु की चरण को आश्रय ग्रहण करो, नवद्वीप धाम में परिक्रमा करो, वहां के धूल को शरीर में लगाओ, अपनी आप राधा कृष्ण का प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरव प्रेम रसा नवे से तरंग जवा डूबे से राधा माधव जथा जथा गौरव पदार बिंदम। हाँ, जितने जितने हम महाप्रभु के प्रेम रस में डूबेंगे तथा तथा राधा कृष्ण प्रेम में, जितने महाप्रभु का भक्ति में, जितने चैतन्य महाप्रभु का रस में जितना डूबोगे उतना ही। इसलिए गुरु जी कहते हैं नवद्वीप में नदिया घाट में डुबकी लगाओ, नवद्वीप गंगा में डुबकी लगाओ, निकलोगे कहां पर? बोले कैसी घाट। इसलिए मतलब महाप्रभु का प्रेम रस में गोता लगाओ और राधा कृष्ण का प्रेम रस में नवद्वीप में केसी घाट में, हाँ, राधा कृष्ण का प्रेम रस में उठोगे अपने आप। इसलिए महाप्रभु का भक्ति करो दास्य रस से, महाप्रभु का दास्य रस से भक्ति होता है, वो अपने आप राधा कृष्ण का प्रेम रस में अपने आप निकल जाओगे। अभी श्री मैया पार्वती फिर प्रश्न करती है, बोले ये बताओ, आपने बताया नवद्वीप में जाकर के परिक्रमा लगानी चाहिए, वहां के धाम की और धूल लगानी। बोले हाँ। बोले ये नवद्वीप धाम क्या है, ये कहाँ से नवद्वीप धाम प्रकट हुआ? तो शंकर जी फिर नवद्वीप धाम की कथा बताए। बोले पार्वती, ये नवद्वीप धाम भी कोई साधारण धाम नहीं। बोले कैसे प्रकट हुए? बोले राधा रानी अपना हृदय से ये नवद्वीप धाम को प्रकट करती। बोले राधा रानी हृदय से प्रकट करती? बोले हाँ। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, बोले एक समय से राधा रानी ने देखा ये कृष्ण बिना बोले कहीं चले जाते, ठीक एक समय आने पर। अभी राधा रानी का मन में डाउट आ गया, जैसे पति अगर कहीं जाए पत्नी से बोल कर जाएगा, देखो इसी काम पर मैं जा रहा हूँ, इतना समय पर वापस आ जाऊंगा। अगर पति अगर पत्नी को बिना बोले ठीक एक समय आने पर कहीं छुप कर चले जाता है, पर पत्नी को क्या डाउट होगा? हो ना हो और किसी से तो प्रेम नहीं कर लिया, और किसी स्त्री से तो कहीं प्रेम उसने नहीं कर दिया, ये बिना बोले क्यों चला जाता है? वो तो बोल कर जाएगा हम यहाँ जा रहे हैं। अभी ये राधा रानी ने सोचा लगता है कुछ गड़बड़ी, हाँ गड़बड़ी कुछ कहीं लग रहा है, क्योंकि मन कृष्ण का जो मन है मैं थोड़ा चंचल देखता हूँ, इसका मन थोड़ा चंचल दिखता है, लगता है और किसी से तो प्रेम नहीं कर दिया कृष्ण के। राधा रानी का मन में डाउट हो गया। एक दिन राधा रानी एक सखी को बोले, बोले देखना तो तुम ये कृष्ण क्यों इसी समय होने पर कहाँ चले जाते, आज तुम फॉलो करना।
एक सखी वो फलों की, कृष्ण कहाँ जाते हैं, बात सही है, वो फलो करते 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 देखा जैसे से वृंदावन धाम, जैसे यमुना नदी बह रही है, वहां पर भी एक सुंदर नदी बह रही है, ये गंगा बह रही है। जैसे वृंदावन धाम में बड़े सुंदर लता प्रता वृक्ष बड़े सुंदर सुभावान, वहां पर भी अपूर्व धाम है, दिव्य धाम, वहां पर अपूर्व सुंदर जंगल पेड़ पौधा लता पता से वहां भी भरा पड़ा हुआ है। हाँ, वहां पर बड़े सुंदर मनोरम स्थान, वहां पर एक सखी है जिसका नाम थी बिरजा। हाँ, ये बिरजा की सखी कृष्ण जा करके उसको साथ में एकांत में उसी धाम में वही जंगल में जाकर के मिलते हैं। उन्होंने देख लिया ये बात को, देख करके राधा रानी को बोल दिया, बोले तुम्हारी जो डाउट ये सही ये, और ये किसी सखी से ये प्रेम करते ही, हाँ इसलिए कृष्ण रोज इस समय पर चले जाते हैं। राधा रानी बोले मैं भी देखना चाहता हूँ वो कहाँ जाते हैं, कौन सा सखी से मिलते हैं। एक दिन राधा रानी भी पीछा की, राधा रानी पीछा करते 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 जा कर देखा सचमुच से कोई और कोई एक सखी है, वहां पर भी बड़े सुंदर जमुना जैसे नदी, बड़े लता पता और कृष्ण वहां पर मिलते। जब कृष्ण को राधा रानी को कृष्ण देख दिया, राधा रानी भी आ गई, कृष्ण तो वहां खिसक गए, डर के मारे कृष्ण वहां से भाग गए। हाँ, राधा रानी देख ली, अभी वो जो बिरजा थी ना वो डर गई, राधा रानी को पता चले गया, राधा रानी ने वहां पानी बन करके नदी बन गई, नदी बन करके वहां बहने लग गई। जब बहने लग गई राधा रानी ने देखा ओ ये स्थान कृष्ण को बड़ा प्यारा लगता है। हाँ, उनका नाम राधा, राधा मतलब कृष्ण को जो आराधना करती है, कृष्ण को जो संपूर्ण सुख प्रदान करती है, जो जितने आनंद देते सबसे ज्यादा जो आनंद कृष्ण को देने वाले वो आराधना की स्वरूप श्री राधा रानी। इतने में राधा रानी ने क्या कि वहीं पर राधा रानी, हाँ अपने वहीं पर खड़े होकर के राधा रानी बंसी बजाए। जब बंसी ध्वनि की, कृष्ण बंसरी बजाते हैं हम जानते हैं, लेकिन राधा रानी अद्भुत उन्होंने बंसी बजाई। जब बंसी बजाए फिर कृष्ण स्वयं वहां प्रकट होते हैं। प्रकट होने पर श्री राधा रानी अपना शरीर से, बोले कृष्ण को ये अच्छा लगता है ये स्थान, इसलिए मैं स्वयं अपना शरीर से एक सुंदर ऐसे धाम प्रकट करूंगा जैसे कृष्ण मुझे छोड़कर और कहीं जाए नहीं। इसलिए राधा रानी अपना शरीर से सुंदर सुंदर उन्होंने वृंदावन धाम जैसे उन्होंने सुंदर नौ कुंज बनाए, सुंदर सुंदर कुंज बनाए। कुंज कहते हैं कहाँ किसको, कुंज कहते हैं जहां पर चार वृक्ष हो, कदम वृक्ष हो नहीं तो तमाल वृक्ष हो, जिस वृक्षों के ऊपर में माधवी मालती सुंदर सुंदर लताएं, जिसमें सुंदर सुंदर पुष्प हो, वो लताएं उसको पर चढ़ जाए और इतना सुंदर बन जाए जैसे घर बनता है। कभी कभी इसे वृंदादेवी कुंज बनाते, अद्भुत है, केवल पत्ते पत्ते की कुंज, कहीं फूल फूल में कुंज बनाती है जहां पर बारिश भी अंदर में नहीं जाएगा, वो अद्भुत बनाती है। ऐसे कुंज बनाती है वृंदादेवी कृष्ण के लिए, जिस कुंज का रंग केवल नीला रंग हो, जिस कुंज का रंग केवल पीले रंग हो, जिस कुंज का रंग एकदम लाल रंग हो, अद्भुत वृंदादेवी कुंज बनाती। अगर वो कुंज को अंदर में कोई चले जाए, अगर आप यहाँ खड़े हो वहां क्या हो रहा है देख नहीं सकता, वो अद्भुत है। अंदर में क्यों कौन क्या कर रहे हैं आप यही खड़े, लेकिन वहां देख नहीं पाओगे। अद्भुत कुंज बनाती वृंदा देवी राधा रानी, अद्भुत उन्होंने नौ कुंज बनाए, सुंदर सुंदर कुंज बनाए जिसमें सुंदर सुंदर सुगंध पुष्प है, जिसमें बड़े सुंदर खुशबूदार है। हाँ, जहां पर सुंदर सरोवर, जहां पर कमल फूल खिला हुआ, राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं, जहां पर तरह तरह का एप्पल, जहां पर सुंदर अंगूर चीकू, जहां पर सफेदा सुंदर सुंदर वृक्षों से राधा रानी अद्भुत बनाए अपना शरीर से बना करके। जब राधा रानी सुंदर वंशित होने की, कृष्ण वहां फिर प्रकट हो, कृष्ण वहां प्रकट हो करके फिर राधा रानी को बोले बोले हे राधे मैं कभी तेरे को और छोड़ूंगा नहीं, इसी कुंज में नित्य निरंतर रहूंगा। इसलिए जो नवद्वीप धाम नहीं, ये राधा रानी अपना हृदय से ये नव कुंज उन्होंने बनाया है नवद्वीप धाम रूप में, इसलिए इसको कहते राधा वन।
बोल तो नवदीप धाम नहीं, ये राधारानी स्वयं ये बन रूप में राधारानी प्रकट हुई है। बोले श्री नवदीप धाम की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। अभी वहां पर जब राधा कृष्ण दोनों खड़े होकर मिलते क्या हुआ, राधा कृष्ण दोनों ही मिल गए। वो अंदर में कृष्ण और राधा रानी ऊपर से आ गए, इसलिए वहां गौर हरि बन गए, महाप्रभु बन गए, दोनों मिलकर के एक स्वरूप हो गया। जब गौर हरि बन गए वहां पर ललिता सखी, विशाखा, चंपक लता सारे सखिया थी। बोले ये क्या हुआ, ये दोनों मिलकर एक हो गए, गौर हरि हो गए। इतने में जो ललिता सखी थी उसने झट स्वरूप दामोदर बन गए, और जो विशाखा सखी थी ये राय रामानंद बन गई, जो तुंग विद्या थी ये प्रबोधानंद सरस्वती बन गई, जो रूप मंजरी थी वो रूप गोस्वामी बन गए, लवंग मंजरी श्री सनातन गोस्वामी बन गए, रति मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बन गए, तुलसी मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बन गए। जितने सब सखियां सब पुरुष हो गए, और पुरुष होकर के सबके सब बोलने लगे, बोले सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। सबके सब महाप्रभु की कीर्तन करने लगे, सब महाप्रभु के भक्त लोग बड़े उन्होंने सुंदर कीर्तन किया। ये शंकर जी ये माता पार्वती को ये अनंत संहिता ग्रंथ में ये शंकर पार्वती का ये संवाद है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु कौन क्यों आए, उनको क्या लीला है। इसलिए हम महाप्रभु जगत में क्यों आए उसका बहुत सारे कारण है, हमारे गोस्वामी लोग उसको पीछे चार कारण बताते। अभी कितना तक कथा करेंगे प्रभु जी, कितना तक कथा हुई? 9 बजे ना, ठीक है, 15 मिनट सुन लेते। देखो कल हम लोग जैसे हम भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा में हम कृष्ण का जन्म महोत्सव को मनाते हैं, कृष्ण का जन्म उत्सव को मनाते हैं। अभी हम महाप्रभु की कथा सुनेंगे, इसलिए कल हम महाप्रभु का जन्म महोत्सव मनाएं। यहाँ पर जैसे कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं, कल हम श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म उत्सव को कल यहाँ पर मनाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कैसे आए, कहाँ पर जन्म लिए, क्यों जन्म लिए, इसका सारे कथा हम कल सुनेंगे। और जब कृष्ण की कथा हम सुनते हैं फिर क्या करते हैं, जितने सारे माताएं गोपियां सुंदर सुंदर साड़ी पहन करके आती हैं, बोले पीले पीले रंग की साड़ी पहन करके आते हैं, इसलिए कल सबके सब गोपियां बन करके, हाँ गोपी भाव से गोपियां बन करके कल सबके सब पीले पीले रंग की साड़ी पहन कर जाना। और जब कृष्ण जब जन्म लेते हैं उस समय सारी देवियां आती हैं, स्वर्ग से उतर करेंगे। अब चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे जब महाप्रभु आए सारी देवियां आई, शंकर ब्रह्मा जी स्वयं आए, इंद्र चंद्र सबके सब आए। जैसे कृष्ण आने पर सारे 33 करोड़ देवता स्तुति करते हैं, जब श्री महाप्रभु आते हैं क्योंकि वही कृष्ण ही अभी कलयुग में राधा जी की भाव अंगता दिल लेकर के आए, इसलिए सारे देवा देविया और सबके सब प्रकट होती है वहां पर, सची माँ की गर्भ स्तुति करते हैं सारे देवता। इसलिए कल भी हम लोग महाप्रभु की जन्म महोत्सव को बनाएंगे, ठीक है। आप लोग का जो घर में बच्चा होगा ना उसको महाप्रभु बना करके लेना, और महाप्रभु के सखा नित्यानंद प्रभु, किसको नित्यानंद, किसको महाप्रभु, गदाधर पंडित, सब बच्चों को सजा धजा करके ले जाना, सब सारे बच्चों को, ठीक है। और किसको घर में छोटा बच्चा होगा तो महाप्रभु बना करके ले जाना, महाप्रभु जैसे जन्म लिए, ठीक है। और एक को सची माता बंटन बना देना, देख लेना कौन सच्ची मैया बनेगा, और एक को जगन्नाथ मिश्र बना, जैसे नंदा हुआ मैया जसोदा जैसे बनाती है, इसलिए ऐसे बना देना, ठीक है। कल हम और एक दिन हम कथा सुनेंगे श्री जगन्नाथ जी की, चैतन्य चरितामृत से। अभी जगन्नाथ जी की शयन लीला है, जगन्नाथ जी अभी बुखार में पड़े हुए हैं, इसलिए एक इतनी पूरा कथा में जगन्नाथ जी को किस लिए आए महाप्रभु, ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा को किस भाव से मनाया करते थे, ये रथ यात्रा क्या है, हाँ जिसमें हमारे महाराज जी और श्री गौर गोविंद महाराज जी उन्होंने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, और चैतन्य चरितामृत में बड़ी सुंदर कथा होनी की, एक दिन पूरी जगन्नाथ जी की हम कथा सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। हाँ अभी हम सुनेंगे महाप्रभु जगत में आने का, उसमें शास्त्र में चार कारण बताया,
कई चार ही कारण में कुछ कारण है साधारण कारण और कुछ कारण उसका विशेष कारण है। हाँ? बोले साधारण क्या कारण है, बोले एक साधारण कारण है कलियुग का जो जुगा धर्म है कदी हरिनाम संकीर्तन है, इसलिए कलियुग में महाप्रभु ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए आए। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं बोले कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन एतत् अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कलियुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन, इसलिए महाप्रभु कलियुग में हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए आए। बोले दूसरे दूसरे और कोई अवतार भी तो ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार कर सकते थे, ये महाप्रभु का विशेष क्या है? हाँ, महाप्रभु जो हरिनाम ला करके दिया, बोले नाम प्रेम माला का अंति पढ़ाल सभा करे, महाप्रभु ने क्या किया नाम रूपी प्रेम की एक माला बनाया और सर्ग गला में एक माला पहना दिया, सर्ग गला में महाप्रेम की माला पहना दिया। इसलिए कहते महाप्रभु जो जगत में ये हरिनाम संकीर्तन लाए इसका विशेष महत्व है। अब देखना एक ज्ञानी भी हरिनाम करता है, एक योगी भी करता है, एक कर्मी भी करता है। देखना दूसरे संप्रदाय के लोग भी हरे कृष्ण करते हैं, हम भी करते हैं हरे कृष्ण। महाप्रभु ने हमें जो हरिनाम दिया, दूसरे दूसरे जो हरिनाम दिया उसमें क्या फर्क है? कहते महाप्रभु ने जो हरिनाम संकीर्तन किया है इसलिए हमारे गुरु जी ने एक हरिनाम महामंत्र का के ग्रंथ निकाले। हाँ, एक ग्रंथ निकाले गुरु जी ने, उसमें श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी, हाँ, इन लोगों ने ये हरिनाम को ऊपर उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की हरिनाम संकीर्तन को ऊपर में। ये जो हरिनाम है ये सर्वप्रथम ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सर्वप्रथम किसका मुंह से ये नाम निकला, किसने सबसे पहले ये नाम निकला था, कौन बोलेगा बताओ? ये सबसे पहले ये हरिनाम महामंत्र किसके मुंह से निकला है, ये हरिनाम को किसने पहले गाई है, कौन बताएगा? गुरुदेव का ग्रंथ पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े ना, गुरुदेव का ग्रंथ नहीं पढ़े आपने, गुरुदेव का महामंत्र ग्रंथ नहीं पढ़े कभी? ग्रंथ को सबसे पहले ये नाम किसके मुंह से निकली है बताओ? हाँ, राधा रानी। ये सबसे पहले ये महामंत्र जब राधा रानी कृष्ण विरह में, हाँ, इसलिए कृष्ण विरह में, कृष्ण जब रास से अंतर ध्यान होकर चले गए, जब राधा रानी कृष्ण विरह में तड़फड़ा रही हैं, कद उसी समय ये राधा रानी के मुंह से कद सर्वप्रथम ये महामंत्र निकला। इसलिए इसमें विरह और मिलन, देखो हरे कृष्ण ये मिलन है, राधे और कृष्ण, राधे कृष्ण, फिर आया कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यह विरह है। हाँ, यहाँ पर हरे नहीं, कृष्ण कृष्ण फिर हरे हरे, ये विरह है। इसलिए ये जो महामंत्र है इसमें मिलन भी है और इसमें विरह है, ये दोनों ही महामंत्र में। इसलिए कभी जो महामंत्र है ये साधारण मंत्र नहीं, श्रीमन महाप्रभु। हाँ, एक दिन महाप्रभु को पूछे बोले प्रभु आप ये हरिनाम को लेकर कभी नाचते हो, कभी गाते हो, कभी लौट बोट खाते हो, क्यों करते हो? महाप्रभु ने बताया मैं जान बुझ करके नहीं करता, जब जब मैं ये नाम को ग्रहण करता हूँ, हाँ, नाम को ग्रहण करते ही देखता हूँ गोलोक वृंदावन दिखता है। यहाँ पर बता रहे हैं हरिनाम का क्या फल है, ये हरिनाम जब करते 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 ये हरिनाम का क्या फल, कहते मैंने गोलोक वृंदावन देखता हूँ, सुंदर जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, एक सुंदर वहां पर कदम वृक्षों के नीचे कृष्ण खड़े होकर के मीठी मीठी कृष्ण बंसरी बजा रहे और महामंत्र करते ही मेरे को बुला दे इधर आओ इधर आओ, मैं देखते ही पागल बन गया और उनको पीछे पीछे भगा उनको पकड़ने के लिए, मैंने उनको पकड़ लिया तो देखा वो कहीं है नहीं, फिर दूसरे दूर में जाकर फिर मेरे को बुला दे इधर आओ। जब जब मैंने ये नाम कर लेता हूँ तब तक वृंदावन में जमुना किनारा में कन्हैया को कदम वृक्ष को नीचे बंसरी बजाते हुए देखता हूँ, कभी भगवान नाम को फल है,
ये नाम ग्रहण करेंगे तो जब हृदय हमारी साफ हो जाएगी, बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाद निर्पापनम। महाप्रभु कहते ये नाम करने पर उसमें आठ स्टेज बताया, ये हरि नाम करते 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 पहले ये चित्त रूपी दर्पण हमारी साफ हो जाएगी, भव महादवाग्नि निर्पापनम संसार का सारे दुख समाप्त हो जाएगी, श्री अकैरव चंद्रिका वितरण हृदय में भगवत नाम रूपी ये चंद्रमा का किरण जब पड़ेगा हृदय एकदम प्रेम में गदगद हो जाएगी। इसलिए यही नाम करते 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 धीरे 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 भगवत प्रेम हृदय प्रकट होगा। प्रतिपदम परिणामृता आस्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये नाम करते करते सब कुछ यही नाम के द्वारा होगा। कलियुग महाप्रभु कहते कलियुग नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान कलियुग में ये नाम रूप में ठाकुर जी आए, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है कलियुग में। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि सहने की भोजने की बा जागरणे आहर निश्चिंत कृष्ण बोला, उठते बैठते सोते हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यही नाम करते करते एकादश स्कंध में कदे नवी नव जोगेंद्र संवाद में बोले ये नाम करते करते इसका क्या फल है, कदे वहां पर केवल एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग द्रुत चित उतै। यहां पर कह रहे हैं बोले एवं व्रत भगवान का नाम को लेते लेते कदे भगवान का नाम ही जीवन का व्रत बनाओ। जीवन का क्या व्रत है, बोले भगवत नाम ही जीवन का, यही व्रत जीवन का और हमारी कोई व्रत नहीं। हाँ, इसलिए भगवत नाम ही जीवन में व्रत बनानी चाहिए। बोले भैया भगवान का नाम जब करो तो नींद आता है, भगवान का नाम का बात करो ना, दूसरे चीज का भी बात करो उसे मन लग जाएगा। सिनेमा देखने जाना, सिनेमा देखने घर का काम 5 घंटा होगा ना, वो 2 घंटा में करके 3 घंटा निकाल लेंगे। कहीं मेला देख ले जाना, पहले तैयारी करके बैठेंगे। कोई शादी की पार्टी में जाना, कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे, कौन सा पहले से हम तैयारी होते, बच्चे इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ बच्चों लोग, इधर घूमते इधर आओ सामने, कथा के समय में इधर उधर के नहीं घूमनी चाहिए, बैठो, ये तुम लोगों के लिए हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कोई दूसरे काम होता है ना, हम सबसे पहले तैयारी होते हैं, लेकिन जब भगवान की बोले थोड़ा माला लेकर के थोड़ा माला जप कर भगवान की 1000 बहाना बना दे, उसी समय सारा बहाना बची होगा, लेकिन दूसरे समय पर कोई बहाना नहीं, पहले तैयारी वगैरह बैठे, नाटक नवेल थिएटर सिनेमा दोस्तों के साथ में घूमना पहले से ही, लेकिन जब भगवान के नाम की बात हो तरह तरह का बहाना बजाएंगे। हाँ, इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले नहीं, भगवत नाम का ही जीवन का व्रत बनाओ। अगर जीवन में कभी जीवन में सुखी रहोगे ठाकुर जी का नाम को द्वारा, ठाकुर जी के नाम से और किसी को द्वारा नहीं। इसलिए भगवत नाम के इतने प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले भैया ये हनुमान जी को जगत में क्यों पूजा हो रही है। मैंने एक जगह में कथा करने के लिए गया था, मैंने वहां पर कथा में सुनाया भगवान का नाम नहीं ये चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब जो मांगो वही दे देगा। कल इनके घर में बहुत मन बढ़िया कथा सुना रहा था, सुना तो क्या सुना रहा था, सुना खड़े हो जाओ सुना, हाँ देखो आप लोग सुन लो, बहुत बढ़िया प्यारी कथा है ये। भगवान का नाम को चिंतामणि बताया, तब हमारे गुरु वर्ग ने एक बहुत प्यारी उदाहरण दिया। ये कथा को आप लोग सब ध्यान से सुनना, याद भी कर लो। भगवान का नाम कितने महत्व है ठाकुर जी का नाम को, ये चिंतामणि क्यों बताया, उन्होंने एक उदाहरण दिया। बोले आप रोड में जा रहे हो, आपको पास में एक बोरी है, एक बहुत बड़ा बैग है आपको पास में, आप चलते चलते आपने देखा एक एक रुपया की ईरो ढेर पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, एक एक रुपया की ईरो बहुत ढेर पड़ा हुआ मालिक नहीं, आपको पास में एक बहुत बड़ा बैग, आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, उसका मालिक नहीं, जितना हो सकता है ईरो को हम भरेंगे। आप भी सुनो ध्यान से सुनो, बोले वो हीरो को जितना हो सकता है उसमें भरेंगे, जितने हम ढो सकते हैं,
लेकिन ईरो को भरते हुए जब और थोड़ी आगे गए, देखा 100-100 रुपया की ईरो और ढेर बड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, 100-100 रुपया की ईरो। फिर हम क्या करेंगे, जो 1-1 रुपया की जो ईरो ले रहे थे, बोले भैया ये कितना पैसा होगा, उसको फेंको, उसको हम उसको निकाल देंगे। फिर 100-100 रुपया की ईरो को जितने हो सकता है ब्याज में भरेंगे। आप जब इसको ले करके और थोड़ी दूर गएंगे, वहां पर देखा 500-500 की ईरो ढेर ढेर बड़ा हुआ। फिर क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, क्या करेंगे? फिर 100 रुपया की जो ईरो को निकालेंगे वहां से, 500 रुपया की ईरो को निकाला, 100 रुपया की ईरो को निकालेंगे। फिर जितना हम ढो सकते हैं 500 रुपया ईरो को ठोस ठोस के भरेंगे। और जो और थोड़ी दूर आगे गए, देखा 1000-1000 रुपया की ईरो बड़ा हुआ, इसका कोई मालिक नहीं। फिर क्या करोगे, वो 500-500 ईरो भी हम उसको निकालेंगे, फिर उसमें 1000-1000 ईरो भरेंगे। और थोड़ी जब दूर गए, देखा सोने की सोने ढेर पड़ा। फिर हम क्या करेंगे, बोले भैया अगर इतना बड़ा ढेला सोना ले जाए, इतना बड़ा सोना ढेला ले जाए, वो तो बहुत सारे पैसा होगा। फिर 100-1000 ईरो को भी हम निकालेंगे, निकाल करेंगे उसमें सोने भरेंगे जितने हम ले सकते हैं। जब सोने को भर करके आप ले जा रहे थे, थोड़ी दूर गए, आपको मिला उसका नाम पारस मणि, नाम सुना स्पर्श मणि। और स्पर्श मणि का ये महत्व, लोहे लाओ और टच कराओ तो झट सोना बन जाता है। तो लोहे लाकर टच कराओ सोना बन जाएगा। थोड़ी दूर गए तो आपको पारस मणि मिलेगा, परस पत्थर। फिर क्या करोगे, वो सोने को भी फेंकेंगे। हाँ, क्योंकि केवल लोहे लाओ, लोहे का कीमत ज्यादा है नहीं, लोहे लाओ केवल टच कराओ सोना बनते जाएगा। फिर हम उसको भी फेंक करके पारस मणि लेकर के चलेंगे। हाँ, और थोड़ी दूर गए, उससे भी एक कीमती चीज मिला। क्या मिला? हाँ, इनके याद है, इसलिए कहते ये स्यमंतक मणि। नाम सुने हो, भागवत का 10वें स्कंध में ये कथा आती है। ये सूर्य देव ने, ये 17 जीत जो सत्यभामा के जो पिताजी सत्यभामा, उनका मित्र से सूर्य देव, उन्होंने ये स्यमंतक मणि ये 17 जी को उन्होंने दिया था। स्यमंतक मणि की ये विशेषत्व है, वो अपने आप सोना, अष्टभार सुवर्ण अपने आप उससे निकलता है, सोना अपने आप निकलता है जिससे। अष्टभार मतलब बहुत सारे सोना अपने आप निकलेगा सोने। फिर आप क्या करोगे बता, जब पारस पत्थर, जब स्पर्श मणि, टच स्टोन कितने कीमती है। बोले भैया लोहे को लाओ, फिर स्पर्श कराओ, फिर जाकर सोना बनेगा, इससे तो अपने आप सोना निकलेगा। फिर वो पारस पत्थर को फेंक देंगे, फेंक कर हम क्या करेंगे, क्या लेकर जाएंगे, वो स्यमंतक मणि को हम लेकर जाएंगे। अब स्यमंतक मणि लेकर के जा रहे थे, थोड़ी दूर उससे भी एक कीमती चीज मिला, बोले उससे भी एक कीमती चीज मिला, बोले उसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब है जो मांगो वही देगा। हमें एक 100 मंजिल का एक मकान चाहिए, 100 मंजिल का झट बन जाएगा। हमें सुंदर ऐसे घर चाहिए, मिल जाएगा। हमें राबड़ी लड्डी के चमचम रसगुल्ला, हाँ रसमलाई चाहिए, झट सामने आ जाएगा। हमें स्वर्ग की अप्सरा चाहिए, आ जाएगा। आप जो मांगोगे चिंतामणि होता है, जो चिंता करो, जो मांगो आपको वही मिल जाएगा, इसको नाम है चिंतामणि। अगर आपको ये मिल गया तो फिर क्या करेंगे, वो स्यमंतक मणि को भी फेंक देंगे, क्योंकि इसको जो मांगो तो वही मिलेगा, वो जरूरत किया स्यमंतक मणि की। तो यहां पर भागवत में ये कह रहे हैं, बोले भगवान का जो नाम है, बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिर्नत्वात नाम नाम। भागवत में बताया ये ठाकुर जी का जो नाम नाम नहीं, ये चिंतामणि, जो मांगो नाम से वही दे देगा। मैं कहीं ये कथा कर रहा था, एक व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य लगा, मेरे को कहा आप जो बता रहे हो सही है। उन्होंने मेरे को प्रश्न किया है, आप जो बताया भगवान का नाम, एक जो एक जो उदाहरण दिया, स्पर्श मणि को फेंक दिया, स्यमंतक मणि को फेंक दिया, सोने को भी फेंक दिया, इतने कीमती है ये। हाँ, चिंतामणि की इतना कीमत है,
तो उन्होंने प्रश्न किया ये क्या सही है? आप जो बताया जो आगे को वही देगा, मतलब एकदम सही है, इसको करके देखो। मैंने कहा देखो हनुमान जी का नाम सुने हो? बोले हाँ सुना है। बोले आप ये हनुमान जी को इतना पूजा क्यों करते हो? आप जाते हो हे हनुमान जी मेरे को ये दे दो, हनुमान जी हमारी इच्छा पूरी कर दो, हनुमान जी बेटा दे दो, बेटी दे दो, पैसा दे दो, नौकरी दे दो, शंकर जी को प्रार्थना करते भोले बाबा ये दे दो, मैया देवी को कहते ये दे दो, गणेश जी को। बोले कहाँ से लाते, कोई कमाई करते ये लोग? ये कहीं जाकर कमाई करते तुमको दे देते हैं? देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरित्र मानस में ये बात को बताए। बोले भैया हनुमान जी को इतने क्यों पूजा कर रहे हैं बंदर को? तो उन्होंने इसका कारण बताया, क्या कहते हैं? बोले सुमेरी पवन सुत पावन नामो, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, आपन बस करे सुमेरी पवन सुत पावन नाम। पवन सुत मतलब हनुमान जी, सुमेरी पावन नामो भगवान राम का जो पवित्र नाम को, यही नाम को स्मरण करते करते जप करते करते आपने बस करे राखे रामो, वो भगवान बसीभूत कर दी, भगवान स्वयं जिनका बसीभूत हो गए। बोले क्यों? बोले केवल भगवान के नाम प्रभाव से हनुमान जी जगत में जो कुछ दे रहे हैं, बोले केवल नाम प्रभाव से दे रहे हैं और किसी का प्रभाव नहीं। बोले भैया ये शंकर जी को इतने पूजा क्यों हो रहे हैं? गोस्वामी स्वयं कहते हैं बोले मोहा मंत्र जो जपत महेशा, मोहा मंत्र जो जपत महेशा, काशी मुखति हे तो उपदेशा। गोस्वामी जी कह रहे हैं महामंत्र जो जपेत महेशा, शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में भगवान के राम के नाम को गाते हैं, ठाकुर जी का नाम को दिन रात शंकर जी महामंत्र जप करते हैं। बोले काशी मुकति है तू उपदेशा, वो काशी में हमारा देश में काशी में मरते समय सब वही मरना चाहते। बोले क्यों? शंकर जी भगवान का नाम को कान में देकर उद्धार करते हैं, इसलिए शंकर जो दे रहे जगत में रुपया पैसा सब लुटा रहे शंकर जी अघोर दानी, जो मांगो कहां से देते हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं ये नाम का प्रभाव से, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव से है। बोले भैया ये देवी की इतना क्यों पूजा हो रही है? आप देखो मैया देवी 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 सारा दुनिया में देखो, जय माता जी जय माता जी, इतनी जय माता जी क्यों नाम हो रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले सहसना मासुनी प्रिय बारी, सहसना मासुनी प्रिय बारी, जापि जई प्रिय संग भवानी, जापि जई प्रिय संग शंकर जी से पूछे बोले प्रभु किसका नाम लेनी चाहिए? शंकर जी बोले पार्वती राम रामे तिरमे तिरम रम मन रमे, भगवान राम का नाम बड़ा प्यारा नाम है, 1000 विष्णु नाम लेने से जो फल है, एक बार राम नाम लेने से वही फल है। तब से पार्वती दिन रात ठाकुर का नाम जप कर रहे, इसलिए जगत में देवी की इतनी पूजा हो रही। बोले भैया गणेश जी की इतना पूजा क्यों होता है?
बोले इसका कारण यही बताए, गोस्वामी जी कहते हैं बोले माही माजा सो जानो गण राओ, माही माजा सो जानो गण राओ, प्रथमा पूजियत नाम प्रभाव। सारे देवता भी ठीक है, बोले सबसे पहले किसका पूजा होनी चाहिए, बोले जो सबसे पहले पृथ्वी को परिक्रमा करके आ जाए। सब कोई हंसवाद भैरवाद में चल पड़े, लेकिन गणेश जी का चूहा है, इतना बड़ा पेट मोटा है, वो कहाँ जाएंगे। नारद जी बोले क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले काम कर भगवान राम का नाम लो, तीन बार परिक्रमा कर लो, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है और प्रभु का अंदर में एक ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड विद्यमान ठाकुर का नाम। इसलिए तुम तीन बार परिक्रमा क्रिया मतलब वो तो एक एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आएंगे, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को तुमने तीन तीन परिक्रमा कर लिया। जय जयकार हो गया, जय जयकार हो गया, गणेश जी की पहले पूजा हो गई। इसलिए यहाँ पर जो भगवान का जो नाम है, हम गुरुदेव ने हमें जो माला दिया है, इसको साधारण मत समझो, ये जादू है, ये जादू माला नहीं, जादू। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं पहले नाम अच्छी नहीं लगेगी, हाँ कड़ू लगी, भगवान का नाम तो मीठा लेकिन तुमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जोर करके बैठो। इसलिए प्रभुपाद कहते सवेर उठो, अपना जुती लो, सवार मन को मारो, बोले यहाँ बैठ कर माला जप कर, माला जप कर, अच्छी नहीं लगे जब मिश्री मिठाए लेकिन कौड़ी लगता है, बोले किसको, बोले जिसको जंडिस हो जाए। इसलिए हमें जंडिस का बीमारी हो गई, हमें अविद्या अपराध हमारा हृदय में आ गया, इसलिए ठाकुर जी का नाम हमें अच्छी नहीं लगता है। सारा दुनिया की बात मन मन अपने आप में लग जाती है, ठाकुर का नाम की बोलो हजार बहाने बनाए, इसलिए नहीं बहाना बना मत बताओ। इसलिए जीवन में जो कुछ करो अंतिम समय में यही बोलेगा राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोले कहते हैं सब कोई बात झूठा है। इसलिए क्या करनी चाहिए, मन चाहेगा नहीं तब भी ठाकुर के सामने बैठो, माला लेकर बैठो, यही रूप गोस्वामी कह रहे हैं। हाँ नाम जब करते 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 कर धीरे धीरे जितने जब अविद्या जब अपराध धीरे धीरे दूर होते जाएगा, इतने मीठा लगेगा, बोले भैया फिर छूटेगा नहीं। प्रभु नाम जब जीवा में उदय होता है, एक जीवा क्यों दे, अद्भुत खरबुद क्यों जय कर, वो यही से कहते हैं। हाँ इसलिए क्या करनी चाहिए, कोई बहानाबाजी नहीं करके सवेरे, हाँ गुरुदेव आपका जो गुरुदेव जी, सवेरे गुरु जी को मैंने सेवा की है, गुरु जी के पास में सोता था, ढाई तीन बजे उठ जाएंगे, अपना हाथ पैर हाथ मुंह धो करके पूरा एक आसन पर बैठ कर माला लेकर के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हृदय से कुला को। इसलिए एक लाख जब तक तो नाम नहीं करते पानी नहीं पीते गुरुदेव, 9 बजे के अंदर में 1 लाख कुछ नाम कर, तब तो जगत में गुरु जी कितनी पूजा हो रही है, कुछ करेंगे नहीं फिर कैसा होगा। इसलिए गुरुदेव जो नाम कर तो नाम को हम, इसलिए सबके सब नाम को महाप्रभु कलयुग में बड़े दयालु नाम को तरह सारे प्रेम दे दिया, इसलिए ये नाम को हमें विश्वास करके जब करनी चाहिए। ठीक है बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कल यहाँ पर हम महाप्रभु का जन्म उत्सव मनाएंगे, हाँ जैसे कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं, कल बड़े धूमधाम से सच्चिदानंद महाप्रभु का जन्म कथा, उनकी महाप्रभु किस लिए आए, क्या कारण है उसमें, और जो कारण कल सुनेंगे, और जितने सब बच्चों को लेकर गाना, हम सारे बच्चों को कृष्ण को भी आपको सबको सबके सब परिवार सबको लेकर गाना, ठीक है ना। कल जितने मित्र बंधु सबको लेकर गाइए कथा में, हो गया मेरे गाले, तुम गालो, आरती तैयार करो, तैयार हो गया, ठीक अब गा सकते हो, गौर 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 आरती, गौर आरती Yeah.
श्री राधा
Thank you.
विनोद बिहारी जीव की जय। ओ विष्णु आत्मा सुरचार श्रीमद भक्तिवृंद नारायण स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पार सुधु सर श्री श्री रूप सन सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पार सुधु सर श्री शिव त्रिवंकम त्रिकम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पार सुधु सर श्री श्रीमद भक्तिवृंद वामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पार सुधु सर श्री श्रीमद गौरवंद गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पार सुधु सर श्री श्रीमद भक्तिवृंद स्वामी प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पार सुधु सर श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ण मिष्ट पार स्त्रोत्र सर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ण मिष्ट पार स्त्रोत्र सर श्री श्रीमद भक्ति रक्षक सिद्धदेव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ण मिष्ट पार स्त्रोत्र सर जगद्गुरु भक्ति स्कंद सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ण मिष्ट पार परमहंस श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्य लीला प्रविष्ट उस्ताद गौर किशोर दास बाबूजी महाराज की जय। श्री जगत गुरु परमहंस गौर किशोर दास बाबूजी महाराज की जय। जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज की जय। नामचर्य श्रद्धा ठाकुर की जय। प्रेम से गौर कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिव श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्याम कुंद राधा कुंद गिराज गोवर्धन की जय। गंगा देवी जमुना देवी भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारोचार्य की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। गोपीश्वर महादेव की जय। पूर्ण देवी की जय। वृंदा देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो वृंदाए तुलसी प्रति प्यारे केशव सिच कृष्ण भक्ति प्रदेवी सच चैनो गुरु भक्ति विनंद सिद्ध महाराज की जय।